Hello kids, welcome to today's English class and I'm your teacher and guide Ananya and I'm back with a new series of Literary Journeys and English Reader for Class 7 by Brainroot Publications. So children, today we shall start with chapter number 6, that is poem If. Alright, If ka matlab kya hota hai? Agar. Hum kai baar काफ़ी सारे काम करने से पहले या सोचने से पहले हम एक इफ़ लगा देते हैं, यानी हम अगर पर बात को टाल देते हैं कि अगर ऐसा होता तो फिर इस तरीके से होता, अगर वैसा होता तो ज़रूर ऐसा होता, ठीक है ना। तो ये जो इफ़ है ये हम बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कविता पढ़ेंगे जहाँ पर एक पिता अपने बेटे को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं अपने बेटे से और क्या सिखाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डू यू लाइक टू टेक एडवाइस फ्रॉम एल्डर्स? हम सबके बड़े हमें कुछ ना कुछ एडवाइस करते हैं, है ना, सुझाव देते हैं। क्या हमेशा हमें वो सुझाव अच्छे लगते हैं? कभी हाँ कभी ना, ज़्यादातर केसेस में ना। लेकिन बच्चों, हमेशा याद रखिए कि जो भी हमारे माता पिता या हमारे बड़े हमें बता रहे हैं वो उन्हें अपने अनुभव से बता रहे हैं। दे आर शेयरिंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस विद अस एंड दैट इज़ वाई इफ़ वी लिसन टू देम देन श्योरली वी विल सक्सेस इन आवर लाइफ, वी विल ऑलवेज सक्सीड इन आवर लाइफ, ठीक है ना। अगर हम उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो फिर हमें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक। ऑन वॉट ओकेजन्स हैव यू बीन एडवाइज्ड बाई एल्डर्स? और मम्मी पापा हमें या हमारे बड़े हमें कब एडवाइस करते हैं? आमतौर पे छोटी छोटी बातों के लिए तो हमेशा ही करते हैं, और स्पेशली हमारे एग्ज़ाम से पहले या हमारी लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते वक्त वो लोग हमें कोई ना कोई सुझाव ज़रूर दे देते हैं, स्पेशली जब हम परेशान होते हैं, ठीक। इफ़ यू वर टू गिव एडवाइस टू योर जूनियर्स व्हाट वुड इट बी? अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने से छोटों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे तो आप क्या क्या देंगे, इसकी एक लिस्ट तैयार कीजिए। ओके, द स्पीकर कन्वेज हिज बिलीव्स टू हिज सन थ्रू दिस पोएम। यहाँ हम एक कविता पढ़ रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग अ पोएट्री विच इज़ रिटन बाई द फेमस राइटर रुडयार्ड किपलिंग। कौन है रुडयार्ड किपलिंग? रुडयार्ड किपलिंग एक बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर हैं जिन्होंने जंगल बुक भी लिखी है। मोगली की स्टोरी हम सब ने पढ़ी है ना, उन्होंने ही ये कविता भी लिखी है। तो इस कविता में भी एक पिता अपने बेटे को कई तरीके के सुझाव दे रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि ये पिता अपने बेटे को क्या क्या और किस तरीके के सुझाव दे रहे हैं। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू एंड मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। तो कवि कहते हैं, मतलब कवि जो पिता के रूप में अपने बेटे से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर तुम अपने मन को और अपने मस्तिष्क को शांत रख सको जब परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत हैं, लोग जो हैं कुछ भी गलत हो रहा है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं, दे आर ब्लेमिंग यू, वो अपना टेम्पर लूज कर रहे हैं, अपना संतुलन खो रहे हैं और तुम पर चिल्ला रहे हैं या फिर तुम्हें ही हर चीज़ का दोषी मान रहे हैं। और अगर तुम अपने आप पर विश्वास ना करो, मतलब तुम अपने आप को मानो कि तुम सही हो, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करो, अपने ऊपर जो तुम्हारी आस्था है उसको एक जैसा ही रखो, उसको ना खो, बट मेक योर अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, साथ ही में उनके डाउट करने को भी तुम एक्सेप्ट कर लो कि वो भी इंसान हैं, शायद उन्हें पूरी परिस्थिति या वास्तविकता का ज्ञान नहीं है इसीलिए वो मुझे दोषी मान रहे हैं। जब उन्हें पता चल जाएगा तो शायद वो दोषी नहीं मानेंगे, अगर तुम में इतनी समझदारी हो तो। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग और बींग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज और बींग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग एंड गेट डोंट लुक टू गुड नॉट टू लुक टू वाइज। अगर तुम हर परिस्थिति में खुद को बहुत ही संतुलित रख सको, यानी अगर तुम में धैर्य है, पेशेंस है, अगर तुम्हें वेट करना पड़े किसी हर चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमें एकदम से नहीं मिल जाती,
कई बार हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई साल लग जाते हैं, हमें बहुत ही धैर्य और धीरज के साथ उन चीज़ों के लिए वेट करना पड़ता है। तो अगर तुम में वो शक्ति है, अगर तुम में अपने अंदर नियंत्रण है कि तुम किसी भी चीज़ के लिए बहुत दिनों तक इंतज़ार कर सको, और अगर सब लोग झूठ बोल रहे हो फिर भी तुम झूठ नहीं बोल रहे, सब तुम्हें घृणा कर रहे हो लेकिन तुम वो घृणा रिटर्न नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता है कि लोग जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं हमें भी उनकी जैसे बिहेव नहीं करना है, हमें अपनी क्वालिटीज़ या अपना जो यूनिकनेस है अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर तुम्हें इन सब बातों का ज्ञान हो और फिर भी ना तो तुम मूर्खता पूर्ण आचरण करो और ना ही तुम विद्वानों की तरह बिहेव करो, मतलब ना ही तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ों जैसी बातें करो और ना ही बहुत महाज्ञानी की तरह अपना ज्ञान बांटो, ठीक। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, उनका कहना है कि अगर तुम सपना देखो लेकिन सपने के दुनिया में खो ना जाओ। क्या होता है, आमतौर पे हम सपना देखते हैं और हम उन सपनों में खो जाते हैं, हम ये भूल ही जाते हैं कि सपने पूरे करने के लिए हमें काम भी करना पड़ेगा, हम सिर्फ सोचते ही रहते हैं, ख्याली पुलाव ही बनाते रहते हैं। तो सपने देखो लेकिन सपनों की दुनिया में खो ना जाओ या उन सपनों को अपने ऊपर हावी ना होने दो, ठीक है। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर मास्टर, अगर तुम सोच सको लेकिन अपनी सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दो, मतलब सोच के अंदर ही घूमते मत रहो, ठीक। इफ़ यू कैन मीट विद ट्रिम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज विद इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, और अगर तुम हार और जीत दोनों को एक ही तराजू में बराबर बराबर देखो, यानी जब तुम किसी चीज़ में जीतो तुम्हें जीत हासिल हो तुम बहुत एक्साइटेड ना हो, और जब तुम हार जाओ तब भी बहुत ज़्यादा दुखी या लो महसूस ना करो, अपने व्यवहार में एक संतुलन बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करो। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाई नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है इतना साहस है कि तुम सच को सुन सको, ठीक है। लोगों ने जिस तरह से आजकल लोग जब बात करते तो काफ़ी तरह की मिलावट होती है, असली बात कम होती है और उसमें इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर तुम सच को हमेशा सुन सको सच के सामने खड़े हो सको, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद वॉर्न आउट टूल्स, और अगर देखो कि जीवन तुम्हें सिर्फ टूटे फूटे चीज़ें ही दे रही है लेकिन तुम उन टूटी फूटी चीज़ों से ही अपने जितने भी सपने हैं उनको गढ़ने की कोशिश रखो या गढ़ने की शक्ति रखो, ठीक है। वो कहते हैं ना लाइफ आपको चैलेंजेस देगी लेकिन आपको उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, ओवरकम करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो अगर तुम में वो हिम्मत है, इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, अगर सारी जो तुमने ज़िंदगी भर जितनी भी तुमने चीज़ें कमाई हैं या फिर तुमने जहाँ भी जो चीज़ जीती है, मतलब तुम्हारी पॉपुलैरिटी, तुम्हारा नाम, तुम्हारा शोहरत, सब कुछ एक साथ रख के एक तरफ और फिर उसको दांव पे लगा सको ज़रूरत के वक्त, यानी उस पे तुम बेट कर सको कि हाँ ये जितना भी मैंने अर्न किया है या जितना कुछ भी मैंने हासिल किया है ये सब मैंने खुद अपनी बलबूते पे किया है और इसीलिए इसे हारने में मुझे कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर वो शक्तियाँ हैं कि आज अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं फिर से इन सबको जीत सकता हूँ, ठीक है। एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन टू योर बिगनिंग्स एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और हारने के बाद भी कभी भी पूरी तरह से हार नहीं मानो, हारने के बाद फिर से नई लगन के साथ नई फुर्ती के साथ दोबारा खड़े होने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है जीवन में जब हम हार जाते हैं तो हम हर आशा हर उम्मीद छोड़ देते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, तो वो नहीं करना है हमें, ठीक है। If you can force your heart and nerve and sinew and to serve your turn long after they are gone and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them hold on, अगर तुम जिंदगी में बिल्कुल निराश हो जाओ हताश हो जाओ और तुम्हें लगे कि तुम हार जाओगे फिर भी तुम अपना मनोबल किसी तरह पकड़ के रखो, एक वो जो उम्मीद होती है दिल में
कि किसी भी तरह चाहे कैसी भी परिस्थिति हो मैं इससे उभर पाऊँगा या मैं ज़रूर मेहनत करके इससे आगे निकल पाऊँगा। अगर तुम में वो शक्ति है या वो जज्बा है, इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विथ किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच, अगर तुम आम जनता के साथ चलते हुए भी अपनी जो गरिमा है या अपना जो यूनिकनेस है उसे ना खो, और ठीक उसी प्रकार किसी राजा या फिर किसी वैल्यूएबल वेल्दी पर्सन या रिच पर्सन के साथ जाते हुए भी अपना अपने आप को ग्राउंडेड फील करना, यानी अपनी हम्बलनेस, अपनी जो सादगी है उसे ना खो, ठीक है। इफ़ नीदर फोज नॉट द लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नॉन टू मच, अगर तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे शत्रु कोई भी तुम्हें दुख ना पहुंचा सके। देखो, या तो हमारे दोस्त हमें बहुत दुख पहुंचा सकते हैं जब वो हमें हमसे झगड़ा करे या फिर हमसे मतलब हमें कुछ उल्टा सीधा कहते, या फिर हमारे दुश्मन जो हमें एक्चुअली नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों ही केसेस में हमें फ़र्क ना पड़े, ठीक है, या फिर हम सभी को एक ही तरीके से डील करें, सभी को एक तरीके से मतलब हम अपने दोस्तों को प्यार तो करें लेकिन इतना भी नहीं कि उनकी वजह से हमें किसी तरह का नुकसान हो जाए, हम सही गलत का फ़र्क करना भूल जाएं। इफ़ यू कैन स्टिल फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 seconds वर्थ ऑफ अ डिस्टेंस रन, योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट एंड विच इज़ मोर, यू विल बी अ मैन माई सन। तो कंक्लूडिंग लाइन्स में पोएट क्या बोलते हैं कि अगर तुम ये याद रखो कि हर समय का अपना अपना महत्व है, ठीक है, समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है क्योंकि सिर्फ एक मिनट यानी 60 सेकेंड्स में ही एक रेस हारा भी जा सकता है या एक रेस जीता भी जा सकता है, ठीक। उसी तरीके से अगर तुम समय का सदुपयोग करो और समय को सबसे ज़्यादा बलवान समझो, समय के अनुकूल अपने आप को ढालो, तो फिर तुम इस धरती को हमेशा जीत सकते हो, यानी तुम इस जीवन में एक राजा की भांति जो है जी सकते हो। वहाँ पे ये पूरी दुनिया और इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सब तुम्हारी हैं, ठीक, यानी कि तुम दुनिया भी जीत सकते हो अगर तुम में ये सारी क्वालिटीज़ हैं। अगर तुम लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना सीखो यानी संतुलन बनाना सीखो तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे तुम जीत नहीं सकते और कभी भी तुम दुनिया में हारोगे नहीं क्योंकि तुमने हर चीज़ पर एक नियंत्रण कर लिया है, ठीक है, तुम हार जीत से ऊपर उठ चुके हो। और जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम असली शब्दों में एक इंसान कहलाओगे या एक आदमी कहलाओगे। ऑलराइट, सो वेरी 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 ब्यूटिफुल पोएट्री बाय रुडयार्ड किपलिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस दैट ही हैज शोन थ्रू हिज पोएम दैट अ मैन शुड बी ऑलवेज हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्च्यूज, ही शुड नो हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन हिज लाइफ, ही शुड नो वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। कभी भी हमें किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए और कभी भी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपनी लाइफ में एक बैलेंस्ड संतुलन बनाए रखना चाहिए। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएट्री एंड जो भी आपने इस कविता से सीखा है उसे आप अपने जीवन में मानने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। There are certain words that we came across while reading the poem. आइए इनको समझते हैं। Keep your head. Keep your head मतलब controlling temper, यानी अपना संतुलन ना खोना, गुस्सा ना करना या irritate ना होना। Knaves means somebody who is dishonest, जो ईमानदार नहीं होते। Make allowance यानी consider करना, कुछ भी decision लेने से पहले सारी चीज़ों को consideration में लाना। Worn out means something which is old and damaged, कोई चीज़ जो ख़राब हो चुका है या पुराना है। Master, a man who has people working for him, कोई भी ऐसा इंसान जिसके लिए लोग काम करते हों। Sinew means a strong substance that connects muscles to bones, muscles और bones को connect करने के लिए जो substance होता है उसको हम sinew बोलते हैं। Triumph means जीतना, achievement।
Virtue means morality, moral values या uprightness, all right? Imposter means somebody who pretends to be someone else, यानी जो दूसरों की तरह बनने की या दूसरों के जैसा प्रतीत होता है, जो कि नकाब पहने रहता है, all right? Foes means somebody who is your enemy, यानी आपका शत्रु, okay? So now let's move towards the exercises. First of all, we have multiple choice questions, MCQs are given. So we will do them one by one. Let's get started. First one, to whom is the poem addressed? Poem kisko address ki gayi hai? The speaker's father, the speaker's friend, the speaker's son, the speaker's brother. Kisko address kiya hai poet ne? The speaker's son. Okay? Next, wo apne bete se baat kar rahe hai na? Second one. What are referred to as those imposters in the poem? Triumph and disaster, life and death, victory and defeat, hope and despair. So, जो दो imposters हैं वो है triumph और disasters. क्योंकि ना तो जीत हमेशा रहेगी और ना ही हार हमेशा के लिए रहेगी. ठीक है, हार जीत दोनों ही चीज़ें लाइफ में आती जाती रहती हैं. Third one, in the poem, who should a man aspire to walk with and yet not to lose the common touch? किंग्स. एक इंसान राजा के इस तरह चले लेकिन कभी भी हाँ जो अपना हम्बलनेस है या अपनी जो जुड़ाव है अपनी मिट्टी के साथ या आम आदमी के साथ वो चीज़ को ना छोड़े. ठीक है, यानी एक इंसान को एक राजा के साथ चलने की आशा तो रखनी चाहिए, यानी एक राजा की भांति जीवन जीने का सपना देखना चाहिए, लेकिन कभी भी अपनी जो असलियत है या अपनी वास्तविकता को भूलना नहीं चाहिए. यानी बड़े बड़े सपने देखिए लेकिन सपने देखते वक्त जो अपनी रियलिटी है उसको मत भूलिए. क्लियर? सो वी शुड ऑलवेज हैव द मोटो ऑफ सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग. हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए लेकिन हमारा जीवन जीने का जो जीवन शैली है वो बहुत आम होना चाहिए. क्लियर? लेट्स मूव फर्दर. नाउ फोर्थ वन, व्हाट शुड अ मैन नॉट अलाउ टू हर्ट हिम? Sticks and stories, women and wine, foes and friends and war and sickness. So foes and friends. ठीक है, ना तो हमारे दुश्मन हमें चोट पहुँचाए ना ही हमारे दोस्त हमें चोट पहुँचा सके. Fifth one, if you can dream and not make dreams your master, what does he mean by this? Dreams are your masters, dreams are evil, so careful about following them. Dreams are good, so don't allow them to slip away. It is good to have dreams, but not your dreams. लेट कंट्रोल यू, यानी सपना देखो लेकिन सपनों के आवेश में मत आ जाओ, सपनों को खुद को नियंत्रित मत करने दो. सपने देखने के लिए ही है, हमें सपने देखने चाहिए, क्योंकि अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो कभी उनको पूरा करने की कोशिश भी नहीं करेंगे. लेकिन सिर्फ सपने देखते रहने से कुछ नहीं होगा, या सपनों के अधीन मत हो जाओ. ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. द ड्रीम वी शुड डू बट वी शुड नॉट लेट द ड्रीम्स टू कंट्रोल अस. ठीक है, नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. तो इनको हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट वन. इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, हुम इज द स्पीकर टॉकिंग टू? द स्पीकर इज टॉकिंग टू हिज सन, अपने बेटे से बात कर रहे हैं. वॉट इज मेंट बाई कीपिंग योर हेड? कीपिंग योर हेड का मतलब अभी अभी हमने पढ़ा है, टू नॉट लूज द टेम्पर, यानी अपना संतुलन ना बिगाड़ना, गुस्सा ना करना. एक्सप्लेन द सेकेंड लाइन, आफ्टर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, यानी जब दूसरे लोग हम पर चिल्लाने लगते हैं अननेसेसरी, हमारी गलती ना होते हुए भी हमें बोलते हैं, तब हमें उन्हीं की तरह उनसे झगड़ना नहीं चाहिए या अपना भी संतुलन नहीं खोना चाहिए. हमें शांति से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए. ठीक है, सेकेंड वन, इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रिम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, एक्सप्लेन ट्रिम्फ एंड डिजास्टर. ट्रिम्फ का मतलब है जीत, ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ हम जीवन में जीतते हैं, और डिजास्टर का मतलब यहाँ पर है हार, यानी ऐसे सिचुएशंस जहाँ पर कई बार हम कई कोशिश करके भी सफल नहीं हो पाते या हार जाते हैं. वाई आर दे कॉल्ड इम्पोस्टर्स? दे आर कॉल्ड इम्पोस्टर्स बिकॉज दे विल नेवर स्टे फॉर द होल लाइफ, ये कभी भी हमारे साथ आजीवन नहीं रहते. ना तो जीत हमेशा के लिए रहती है और ना ही हार हमेशा के लिए रहता है. सुख और दुख दोनों ही जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं और ये कभी भी हमेशा के लिए लाइफ में नहीं रहता. ठीक, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन दीज लाइन्स.
द फिगर ऑफ स्पीच इन दीज लाइन्स इज मेटाफर. ठीक है, हम ट्रेन फॉर डिजास्टर को लाइफ में सुख और दुख की तरह यूज़ कर रहे हैं. ठीक, ऑल राइट. इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड वर्थ द डिस्टेंस रन, योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट एंड विच इज़ मोर, यू विल बी अ मैन माई सन. ये हमारी लास्ट की कंक्लूडिंग लाइन्स है. एक्सप्लेन अनफॉरगिविंग मिनट. अनफॉरगिविंग मिनट का मतलब है एक ऐसा क्षण जिसको आप कभी भी भूल नहीं सकते या जो आपको कभी क्षमा नहीं करेगा. ठीक है, एक्सप्लेन द थर्ड लाइन. थर्ड लाइन इज योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट. योर्स इज़ द अर्थ मीन्स यानी आप धरती के स्वामी हैं या फिर आप दुनिया को जीत सकते हैं. दुनिया और दुनिया के लोग या जो भी चीज़ें हैं उसको आप अपने बिहेवियर से या अपने व्यक्तित्व से जीत सकते हैं. वॉट इज़ द टोन ऑफ द स्पीकर? द टोन ऑफ द स्पीकर इज ऑफ एडवाइजिंग. स्पीकर जो है एडवाइस कर रहा है अपने बच्चे को, समझाते हुए सारी बातें बता रहा है कि ऐसे बनना चाहिए. ठीक है, सुझाव दे रहा है, एडवाइस दे रहा है. क्लियर, नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ वी हैव टू राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें पता करना है कि इनमें से सही कौन से हैं और कौन से गलत है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट वन, द पोएम इज एड्रेस्ड टू अ फादर बाय हिज सन. यस, दिस इज ट्रू. एक पिता अपने बेटे से बातें कर रहे हैं. नेक्स्ट, सेकेंड वन, वन शुड वेट एंड नॉट बी टायर्ड ऑफ वेटिंग. बिल्कुल, दिस इज ट्रू. सो इट इज़ ट्रू. थर्ड वन, वन शुड लूज टेम्पर इफ इट इज ट्विस्टेड. नो, किसी भी सिचुएशन में अपना संतुलन नहीं खोना है, अपना धैर्य या धीरज नहीं बिगड़ने देना है. फोर्थ, वी शुड हैव द करेज टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आफ्टर अ लॉस. यस, चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी हार हो, हमें कोशिश करने से नहीं पीछे हटना है, हमें निराशा के साथ काम करने को नहीं छोड़ना है. फिफ्थ वन, वन शुड नॉट लूज कॉमन टच वाइल वॉकिंग विद द किंग्स. येस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. हम राजाओं के साथ चलें या कितने भी ज्ञानी व्यक्तियों के साथ चलें, लेकिन हमें हमारी जो जड़ें हैं उनको नहीं भूलना चाहिए. हमें सिंपल लिविंग को कभी भी भूलना नहीं चाहिए. सिंप्लिसिटी को हमेशा अपने लाइफ का मोटो बनाना चाहिए. ओके, सो चिल्ड्रन, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द पोएट्री क्वाइट वेल एंड यू हैव डन द एक्सरसाइजेज ऑल्सो. So now it's time to take leave from you all. So with this we end to today's session. I will meet you soon with again another chapter of this series. Bye bye and take care. Stay tuned for the new video.